नमस्कार, टेक में आपका स्वागत है। और माफी चाहता हूँ, 2-3 दिन से टेक न्यूज़ नहीं दे पाया था, थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए दे नहीं पाया था। तो देते हैं आज से टेक न्यूज़ फिर रेगुलर हमारे जैसा देते हैं। और उससे पहले हम थोड़ा जो फ्लिपकार्ट में डील चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि जानते होंगे कि फ्लिपकार्ट का बिग शॉपिंग डे चल रहा है और आज है डे 3। तो आज का ऑफर क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आज का ऑफर जो है डे 3 का, उसमें आपको आईफोन 6 के ऊपर कुछ ऑफर मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। और भी बहुत सारे टीवी जो है एलईडी टीवी, उनके ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है। और दूसरा जो ऑफर चल रहा है नो कॉस्ट ईएमआई का चल रहा है, तो ईएमआई के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं पड़ेगा। तो ये ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आपको क्या कुछ मैकबुक वगैरह मिल रहा है और भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके बाद अमेजन के ऊपर आज एक ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है? मोटो जी प्लस में फ्लैट 1000 का ऑफर चल रहा है। जी हाँ, अगर आपको मोटो जी प्लस खरीदना है तो आज चल रहा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके खरीद सकते हैं। तो ये थी थोड़ा ऑफर के बारे में। और शुरू करते हैं हमारा डेली टेक न्यूज। तो नोकिया के 2 फोन का इमेजेस कुछ लीक होके आ गया है, आप देख सकते हैं। ये सामने की तरफ देखने से लग रहा है कुछ क्वेटिक टाइप का फोन है और पीछे की तरफ एक फ्लैश है, कैमरा है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि नोकिया Z2 Plus, जी हाँ, नोकिया का Z2 Plus और नोकिया P नाम से 2 फोन आने वाले हैं। और ये सब तो ऐसे भी कंफर्म हो गया है कि नोकिया MWC में लॉन्च करने वाला है, जितना भी उसका फोन लॉन्च करना है। तो उससे पहले कुछ इमेजेस आ गया और ऐसा बताया जा रहा है इसमें से एक हाई एंड फोन होगा और एक लोअर एंड फोन होगा। तो जैसे कि नोकिया Z2 Plus शायद से लोअर एंड हो सकता है, और जो नोकिया P है उसमें आपको 6 GB का रैम मिल सकता है, क्वालकॉम का 835 प्रोसेसर मिल सकता है, और ऐसा कुछ बताया। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जुक एच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, आज वो अनाउंस हो गया है, चाइना के अंदर अनाउंस हो गया है। तो क्या कुछ उसमें मिल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 5.5 इंच का यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है, 2.5D ग्लास के साथ ही आ रहा है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो क्वालकॉम का 821 प्रोसेसर मिलेगा, 2.5 GHz के ऊपर ही आ रहा है, और 530 का GPU मिल रहा है यहाँ पे आपको। अब बात करते हैं रैम रोम के बारे में। तो यहाँ पे आपको रैम में 2 वेरिएंट मिलेगा, जी हाँ, 4 GB और 6 GB दो वेरिएंट में आ रहा है, और रोम में 64 GB 128 GB दो वेरिएंट में ही आ रहा है। तो अब कैमरे की बात करते हैं तो 13 और 8 का कैमरा कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, 13 MP का रियर कैमरा मिलेगा इसमें आपको, और 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे आपको मिल रहा है। और क्या कुछ मिल रहा है? तो 4G मिल रहा है, वोल्टी मिल रहा है, और बैटरी की बात कर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है यहाँ पे आपको। और बैटरी की बात करते तो 3100 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है, और जो कि क्वालकॉम का QC 3.0 को सपोर्ट करता है, यानी क्विक चार्ज जो है 3.0 को भी सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कीमत के बारे में। तो 4 GB रैम वाला वेरियंट का कीमत जो रखा गया है लगभग 22,500 रुपये उसका कीमत है, और जो 6 GB रैम वेरियंट है उसका जो लगभग कीमत रखा गया है 24,500 रुपया। अब बात करते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का J3 2017 एडिशन जो आने वाला है उसका कुछ नेट में सरफेस आ गया है, इमेजेस सरफेस हो गया है। तो उसके बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं पता चल रहा है। तो 5 इंच का यहाँ पे आपको 720p वाला डिस्प्ले मिलेगा विथ 2.5D ग्लास के साथ आ रहा है। प्रोसेसर की बात करते हैं, क्वालकॉम का ऑक्टाकोर 430 प्रोसेसर जो कि Redmi 3 में मिल रहा है, वही वाला प्रोसेसर शायद से मिल सकता है उसमें आपको। रैम रोम की बात करते हैं तो 2 GB का रैम मिलेगा इसमें आपको, और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा यहाँ पे आपको। कैमरे की बात करते हैं तो 5 और 2 का कैमरा कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें आपको, और बैटरी की बात करते हैं 2600 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल सकता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अब बात करते हैं Xiaomi के बारे में। तो Xiaomi का जो MI 6 आने वाला है, जी हाँ, कमिंग ईयर में 2017 में उसका नेक्स्ट प्लस आएगा, इस बार MI 5 था तो MI 6 आने वाला है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि MI 6 का 3 वेरियंट और आ सकता है। जी हाँ, एक है MI 6S, और दूसरा जो है MI 6E, और तीसरा जो है MI 6P। तो ये 3 वेरिएंट आने वाला है, तीनों में लगभग इसमें 835 प्रोसेसर मिलेगा, 821 प्रोसेसर मिलेगा, ऐसा कुछ चेंजेस हो सकता है, प्रोसेसर और रैम में भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जैन के बारे में। तो जैन एक इंडियन मोबाइल कंपनी है, और जैन ने आज जैन सिनेमैक्स क्लिक के नाम से और एक फ़ोन लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, ये उसका सिनेमैक्स सीरीज का शायद से तीसरा वाला फ़ोन है। जी हाँ, इससे पहले सिनेमैक्स मैक्स ऐसा कुछ कुछ फ़ोन लॉन्च किया था, और आज लॉन्च कर दिया है जैन सिनेमैक्स क्लिक। तो क्या कुछ स्पेशल है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 5.5 इंच का 720p वाला डिस्प्ले मिल रहा है, जी हाँ, फुल HD नहीं है, 720p वाला डिस्प्ले मिल रहा है। 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है, और ये मेंशन नहीं किया गया है कौन सा प्रोसेसर यहाँ पे आया है। तो आप रैम रोम की बात करते हैं, 1 GB का रैम मिल रहा है यहाँ पे आपको, और 8 GB का रोम मिल रहा है। अब कैमरे की बात करते हैं तो 8 और 5 का कैमरा कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, 8 MP का रियर कैमरा मिलेगा, और 5 GB का फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे आपको मिल रहा है। और क्या कुछ मिल रहा है? तो एंड्रॉइड मास मिले के ऊपर ही आ रहा है, 4G में है, वोल्टी है, जी हाँ, वोल्टी भी यहाँ पे मिल रहा है। और बैटरी की बात करते हैं तो 2700 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल रहा है। अब कीमत की बात करते हैं तो कीमत जो इसका रखा गया है 6200 रुपये इसका कीमत रखा गया है।
तो बस आज का टेक न्यूज में इतना ही। टेक न्यूज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो बड़ा सा लाइक दीजिए, और इसी तरह टेक न्यूज और बहुत सारे और भी हमारे वीडियो देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑफर के बारे में अगर आपको देखना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में सब फ्लिपकार्ट का और अमेजन का सबका ऑफर का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।